बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केसीओ के किसान यूट्यूब चैनल के नाजरीन और मेरे सब्सक्राइबर, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। ये जो नीला आसमान आप लोगों को नज़र आ रही है, ये तिचकान पंजगूर शाह कलंदर का एरिया है, शाहपतान इसे बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा सा लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, ये जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रही है खुदाबादान का एरिया, ये लोकेशन वहाँ से मैं जाते हुए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों की काचर अपनी नाजरी खाती। ये जो फॉल है अचान नदी में रक्षान में, ये कदीम ज़माने में फेंडिंग में पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि इस फॉल को बनाया जाए ताकि खुदाबादान के लोगों और अलग तस पंचीकान और यहाँ से ये बॉर्डर के जो एरिया के लोग आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, उनको फ़ायदा मिले। ये मेन शाहरा है खुदाबादान का। जब ये रोड बन जाएगा, खुदाबादान के जितने भी रास्ते हैं, यहाँ से जाता है मवाज ख्वाजा अब्दुल रहीम चौक जाता है, मवाज के नाम से भी मशहूर है और ख्वाजा, वैसे इसका नाम ख्वाजा अब्दुल रहीम चौक ही है। यहाँ से होता हुआ फिर पूरे कस्ब को कवर करता है, फिर बाद में अलग पंचीकान इस तरह से जाते हुए ईरान तक जाते हैं। हम मीर रसगुल्ला बलूच से गुजारिश करते हैं कि इसको अपने बजट में शामिल करें और इसको बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सुनी जाएगी। ये लोकेशन खुदाबादान का है, हमारा इलाका है हिमाबाद, वहाँ का ये लोकेशन है। मैं इस वक्त घर के ऊपर से ये लोकेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आसमान का नज़ारा। आज सुबह से लेकर बारिश वक्ते वक्ते से यहाँ हमारे इलाके पंजगूर में जारी है, और आप जो हमारे बाहर के दोस्त हैं, कंट्री से बाहर हैं, दूसरे ईरान है, मस्कत खूसन, हमारे चैनल को जितने भी सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ आप देख सकते हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करें, लाइक